अगर आप भी पेटीएम, फोन पे और मोबीक्विक जैसे का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बुरी खबर है। जल्द ही आप इन मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पेमेंट्स इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने मार्च 2019 तक सभी मोबाइल वॉलेट्स के बंद होने की आशंका जताई है। आरबीआई ने अक्टूबर 2017 में ही सभी मोबाइल वॉलेट कंपनियों को अपने ग्राहकों की नो योर कस्टमर केवाईसी करवाने का आदेश दिया था। तब सभी कंपनियां आधार बेस्ड केवाईसी के जरिए जानकारी जुटा रही थीं। इसके बाद साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद अब आधार की ई केवाईसी पर रोक लग गई है। अब कंपनियों का ग्राहकों का फिजिकल वेरिफिकेशन करने में मुश्किल हो रही है। कंपनियां अब तक मात्र 10% ग्राहकों का डेटा ही जुटा पाई हैं। अभी उन्होंने अधिकतर यूजर्स का बायोमेट्रिक या फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया है, जिसके चलते माना जा रहा है कि मार्च से देश में 95% से ज्यादा मोबाइल वॉलेट बंद हो जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोबाइल वॉलेट कंपनियों को 28 फरवरी तक सभी यूजर्स के केवाईसी अपडेट करवाने का आदेश दिया था, लेकिन कंपनियां ऐसा नहीं कर पाई हैं। हालांकि आरबीआई ने मोबाइल वॉलेट यूजर्स को राहत दी है कि 28 फरवरी के बाद भी अगर आपके वॉलेट में बैलेंस है तो वो खत्म नहीं होगा। आप उस बैलेंस से सामान खरीद सकेंगे। आप चाहें तो पैसों को वो अपने बैंक अकाउंट में भेज सकेंगे, लेकिन आप 1 मार्च से बिना केवाईसी वाले वॉलेट में पैसा नहीं डाल सकेंगे। आप नहीं किसी को पैसा भेज सकेंगे।